सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग अंडर 18 है, मतलब कि 18 साल से कम की आपकी उम्र है, तो आप लोगों को बैंक में खाता खुलवाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को SBI के बारे में, SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे बच्चों का खाता खुलवाया जाए, उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और जो खाते हैं उनमें उससे आप लोग को क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, इस सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो जानकारी आप लोग वीडियो को लाइक करना, इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंडर 18 हैं और अगर आप लोग SBI में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मैं आप लोग बता दूं, SBI ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब दो तरह के खातों का अभी जल्दी ऐलान किया है, जिसमें आप लोग अंडर 18 के सभी लोग जो है अपना अकाउंट बड़े ही आसानी से ओपन करवा सकते हैं। जो सबसे पहला है वो पहला कदम है और दूसरा जो है पहली उड़ान। तो दो तरह के खाते हैं, पहला कदम और पहली उड़ान। पहला कदम में आप लोगों को जो है जो अंडर 10 ईयर के बच्चे होते हैं, मतलब कि 10 साल या फिर 10 साल के नीचे के सभी बच्चों का जो है खाता जो है पहला उड़ान के नाम से, अकाउंट के नाम से वहां पे ओपन करवाया जाता है। और 10 से 18 साल के बीच के बच्चों का जो है अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो खाता जो है इशू किया गया है वो है पहली उड़ान। तो इन दो खातों में आप लोग अगर अंडर 18 है तो SBI में जाकर आप बड़े आसानी से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो है डेबिट कार्ड और इसके अलावा चेकबुक और इसके अलावा बैंक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसमें जो जिसका भी खाता अकाउंट ओपन होगा उसका वहाँ पर फ़ोटो भी वहाँ पर प्रिंट होकर आएगी, तो काफ़ी कमाल की बात है। और जिसका खाता होगा उसके डेबिट कार्ड पे वहाँ पे फ़ोटो भी वहाँ पे बन के आएगी। तो दोस्तों, इस तरह के खाते खुलवाने के लिए आप जो है SBI में जाएंगे और वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट, मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि लेके जाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आप लोगों का जो भी अभिभावक होंगे, मतलब कि पेरेंट्स होंगे, उनका भी नाम वहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब कि संयुक्त रूप से खाता खोला जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि इन खातों को खुलवाने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा। जो पहला कदम अकाउंट है उसमें आप लोगों को जो अंडर 10, मैंने जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अंडर 10 ईयर्स के सारे बच्चों का जो है वहाँ पर अकाउंट खोला जाता है, तो इस स्कीम के तहत आप लोगों को जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है इस आप लोग को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और इसका संचालन भी जो होगा वो पेरेंट्स के साथ, मतलब कि आपका पेरेंट्स भी कर सकता है या फिर आपका आप जो खुद कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा उसमें आपकी केवल फ़ोटो छपी रहेगी, लेकिन डेबिट कार्ड से पैसे जो है आप भी निकाल सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो पहली उड़ान स्कीम है इसमें 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए और 18 साल से नीचे के बच्चों के अकाउंट ओपन होता है। इसमें जो है इसका संचालन जो है जिसका अकाउंट ओपन होता है वो खुद ही करता है। इसमें आप लोगों को अभिभावक के साथ अकाउंट ओपन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही जाएंगे और अपने नाम से अपना अकाउंट ओपन करवा लेंगे और इसके संचालन जो है आप खुद ही कर पाएंगे। तो दोस्तों, काफ़ी कमाल की ये स्कीम है। और अगर आप लोग 18 साल से नीचे के हैं और अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो सेविंग अकाउंट आप लोग SBI में जाकर ज़रूर ओपन करवाएं। इससे बच्चों जो SBI का जो मेन मोटो है बच्चों में पैसे के महत्व को लेकर जानकारी इकट्ठा करने का है, तो आप लोग अपना अकाउंट जरूर ओपन करवाएं। इन खातों में आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो है मैक्सिमम बैलेंस रखने की इजाज़त है। इससे ऊपर का जो है बैलेंस आप लोग इन खातों में नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग जो है 5 लाख रुपए तक जो है इसमें बैलेंस अपना रख सकते हैं। और जो प्रतिदिन की, मतलब कि पर डे की आप लोग को ट्रांजेक्शन करने की लिमिट मिलती है, इसमें 5,000 रुपए तक की पर डे ट्रांजेक्शन करने की लिमिट होती है। तो इसमें 5,000 रुपए में आप NFT, IMPS और इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट भी आप लोग बनवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई शॉपिंग करते हैं उसका भी पेमेंट 5,000 रुपए तक का कर सकते हैं। मतलब कि कुल मिला जुला कर पर डे की जो लिमिट है ट्रांजेक्शन करने की वो 5,000 रुपये है और जो मैक्सिमम बैलेंस है वो आप लोगों का 5 लाख रुपये है। और इसके अलावा जो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इसमें मिनिमम बैलेंस का कोई भी झंझट नहीं है, आप 0 बैलेंस से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।
अकाउंट्स में आप लोग को चेकबुक भी फैसिलिटी मिलती है। तो जो पहला कदम अकाउंट है इसमें जो है जो चेकबुक इशू होगा वो पेरेंट्स के साथ आप जो जो जिसका भी अकाउंट ओपन होगा पेरेंट्स के साथ उसका नाम वहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब कि पेरेंट के साथ जो है नाबालिग का नाम भी वहाँ पे प्रिंट होगा। और जो पहली उड़ान अकाउंट है इसमें जो चेकबुक इशू होगा वो जिसका अकाउंट ओपन होगा, जिस भी नाबालिग का अकाउंट ओपन होगा उसके नाम से ही वहाँ पे चेकबुक जो है इशू किया जाएगा। तो आप लोग अपना अकाउंट जरूर ओपन करवाइए और पैसों का जो है सेविंग जरूर करिए, चाहे आप 18 साल से नीचे के हो चाहे फिर 18 साल से ऊपर के हो, पैसे का सेविंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर के लिए। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं इसके अलावा जो है आप लोगों को इन अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग के साथ ही इंटरनेट बैंकिंग और जो है आप लोग को चेकबुक फैसिलिटी, इसके अलावा डेबिट कार्ड भी आप लोग को मिलेगा। जो डेबिट कार्ड आप लोग मिलेगा उसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है नाबालिग का मतलब कि माइनर का जो है उसमें वहाँ पर फ़ोटो भी डेबिट कार्ड पर प्रिंट होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं SBI में माइनर हैं तो आप लोग बेशक जाकर जो है अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं कि इसमें जो है मिनिमम बैलेंस का कोई भी झंझट नहीं है, तो आप लोग जीरो बैलेंस से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों अपने सभी जानने वाले अपने सभी फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।